नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए इस वक्त की कोरोना वायरस को लेकर के सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा प्रयोग सरकार की तरफ से। अब सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं को, यानी कि जो प्राइवेट लैब्स हैं, उन्हें भी इजाज़त दे दी है। वहां पर भी कोरोना वायरस के जाँच किए जाएंगे और इसकी आधिकारिक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने की है। देखिए तस्वीर किस तरीके से ट्विटर के माध्यम से चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा निजी क्षेत्र की 2 प्रयोगशालाओं को COVID-19 वायरस के परीक्षण की अनुमति प्रदान कर दी जा चुकी है। कौन कौन से हैं वो 2 लैब, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। डॉक्टर लाल पैथ्स लैब, ये भी तस्वीर देख सकते होंगे, राकेश कुमार सिंह, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, और पाथ काइंड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक ब्रांच जो है वो पटना में है और दूसरा ब्रांच जो है वो मुजफ्फरपुर में है, उसके भी एड्रेसेस के साथ, टेलीफोन नंबर के साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं पटना वाले उस डायग्नोस्टिक लैब का, जिसका मोबाइल नंबर दिया गया है 7827949761। वहीं मुजफ्फरपुर में भी एड्रेस दिया गया है, वहां का भी मोबाइल नंबर दिखाया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हो किस तरह के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। और अभी की ये बड़ी खबर, कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा प्रयोग किया है, इस अनुमति को देकर के 2 निजी लैबों को अनुमति दे दी गई है, डॉक्टर लाल पैथ्स लैब को और पाथ काइंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को। इन दोनों को अनुमति देने के बाद साफ साफ संजय कुमार प्रधान सचिव ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं, एक तो बड़ी बात यह है कि आंकड़े जो हैं वो हर पल बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से लोगों की चिंताएं जो हैं वो भी कम नहीं हो रही हैं, लेकिन अब उन चिंताओं पर पूर्ण विराम लग सकता है क्योंकि जांच की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी। इसमें लेकिन बहुत सारी बातों को हम गौर करेंगे, बहुत सारी बातों को इसमें बताया गया है कि पैसे भी लगेंगे, क्योंकि देखिए प्राइवेट लैब्स हैं तो यहाँ पर पैसे लगने वाजिब बात है। यदि हम सिर्फ स्क्रीनिंग कराते हैं, जैसा कि इस अधिसूचना में भी दिया गया है, यदि हम सिर्फ स्क्रीनिंग कराते हैं, प्रथम चरण की स्क्रीनिंग कराते हैं, तो उसमें 1500 रुपये लगेंगे, अधिकतम 1500 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। और पुष्टि कराने के लिए यदि हम द्वितीय चरण का परीक्षण कराते हैं तो उसमें भी निजी प्रयोगशालाओं में महज 4500 रुपये लगेंगे, तो इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते हैं। दाम भी तय कर दिया गया है, यदि हम ICMR के तहत देखें तो जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है उन सभी को भी 4500 रुपये की धनराशि का भुगतान करना होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हो किस तरीके से लिखा हुआ है विचारोपरांत, यानी कि विचार करने के बाद ये बिहार में तय किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण यानी कि सिंगल स्टेप के जांच के लिए अधिकतम 2500 रुपये ही लगेंगे, 2500 रुपये ही निर्धारित किए गए हैं। और बिहार में 2500 से अधिक रकम, अधिक की धनराशि लिया जाना ये नियम के खिलाफ होगा। ऐसे में बिहार के लिए एक बड़ी खबर है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 2500 रुपये ही लगेंगे। जहां हम ICMR के तहत की बात कर रहे हैं तो ICMR के तहत जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत 4500 रुपये लगते थे, लेकिन बिहार में यदि सिंगल स्टेप में ही जाँच करवाई जाती है तो मात्र 2500 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है, यदि आपको जाँच कराना है तो, यदि आपको जांच कराना है तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। एड्रेसेस और मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 2 निजी प्रयोगशालाओं को सरकार ने जो आदेश दिया है, उम्मीद है इससे जिन लोगों को ऐसा लगेगा, उनमें लक्षण दिखाई देंगे, तो वो खुद प्राइवेट लैब्स में भी जाके संपर्क कर सकते हैं। जाने की बात नहीं है, फ़ोन नंबर दिया हुआ, फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, खुद व्यक्ति आपके घर तक चलाएगा, आपका सैंपल ले लेगा और यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तुरंत जाँच भी आपकी की जाएगी। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सीमाओं को थोड़ा बड़ा किया है ताकि जाँच का जो दायरा है वो बढ़ सके, और दाम भी तय कर दिए गए हैं, 4500 रुपये से ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। यदि आप में लक्षण दिखते हो तो कृपया करके, अभी भी लाइव स्ट्रीम भी आपसे अनुरोध कर रहा है कि आप ज़रूर इन नंबरों का प्रयोग करें, क्योंकि आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर एहतियात कदम उठा रही है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश राज्य सुरक्षित रहेगा, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, आप खुद को बचें, इस लड़ाई को घर में रहकर ही जीतें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।